नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज। आज की क्या है 10 बड़ी खबरें वो हम आपको बताते हैं। कहां पे हुई दुर्घटना, कहां लगी आग, वैक्सीन खत्म होने से कैसे रहे लोग परेशान और कैसे कोरोना काल में भी जम के उड़ाई जा रही है धजिया। आप देखिए ये पूरी खबर 10 मिनट में, 10 बड़ी खबर। सिवान में ट्रक और बाइक की टक्कर में 3 घायल, 1 की हालत गंभीर। सिवान के मुफसिल थाना क्षेत्र के सोता फैक्ट्री मोड़ समीप बाइक और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि एक ही बाइक पर 3 युवक सिवान की तरफ जा रहे थे, तभी ट्रक से आमने सामने की टक्कर हो गई। घायलों की पहचान भादापुर निवासी उपेंद्र गिरी के पुत्र प्रियांशु गिरी, शैलेश गिरी का पुत्र रोहित गिरी और सुभाष शाह का पुत्र प्रियांशु कुमार के रूप में की गई है। बता दें कि सभी युवक सिवान की तरफ कोचिंग में पढ़ने के लिए जा रहे थे, इसी क्रम में यह घटना घटी है। सिवान के सिखपुरा में चोरों ने 3 घरों में चोरी कर चुराई लाखों रुपए की संपत्ति। आपको बता दें सिवान के सिखपुरा गांव में सोमवार की रात्रि में चोरों ने 3 घरों में चोरी कर लाखों रुपए के सामानों की चोरी कर ली। चोरों ने एक ही रात में सिखपुरा संस्कृत शर्मा, ठाकुर प्रसाद एवं मोतीचंद भगत के घरों में चोरी कर ग्रामीणों को प्रतरज करने पर विवश कर दिया है। प्रतरजगा कर रहे लोग काफी परेशान हैं और पुलिस से चोरों को पकड़ने की गुहार लगा रहे हैं। सिवान सदर अस्पताल में कोरोना जांच के बाद रिपोर्ट लेने के लिए लोगों की लग रही है भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है धजिया। जी, आपको बता दें कि सिवान के सदर अस्पताल में कोरोना जांच के बाद लोग रिपोर्ट लेने तो पहुंच रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। वहीं बहुत सारे लोग मास्क लगा रहे हैं, लेकिन मास्क नाक पर नहीं रह रहे हैं और ना ही कोई प्रशासन के लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और अस्पताल में कोरोना की जांच का रिपोर्ट लेने पहुंच रहे हैं लोग। सिवान के डीएम ने आज वर्चुअल संवाद के माध्यम से जिला के माननीय सांसद, विधायक और ग्राम परिषद के सदस्यगण, जिला परिषद अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष, नगर परिषद के कोविड प्रबंधन पर सुझाव प्राप्त किया। बता दें कि अधिकारी ने सर्वप्रथम माननीय जनप्रतिनिधि गणों को अभिवादन करते हुए जिला में कोविड-19 के रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों को बिंदुवार अद्यतन जानकारी से अवगत कराया तथा सुझाव भी मांगे। इस संबंध में माननीय सांसद और विधायकों के साथ साथ सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव दिए और सभी ने सरकार की योजनाओं को जाना और सभी नियमों को एक साथ लेकर काम करने और सभी को जागरूक करने की बातें कही। सिवान के व्यवहार न्यायालय परिसर में होगा शौचालय का निर्माण, जिसका शिलान्यास सिवान के नगर परिषद सभापति सिंधु सिंह और सिवान के डिस्ट्रिक्ट जज मनोज शंकर ने किया। आपको बता दें कि 18,14,000 रुपये के लागत से सिवान के व्यवहार न्यायालय परिसर में शौचालय का निर्माण कराया जाएगा, जिसका उद्घाटन सिवान के सभापति सिंधु सिंह ने किया और साथ में उपस्थित रहे सिवान के डिस्ट्रिक्ट जज मनोज शंकर। शौचालय के निर्माण में करीब 3 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। इस निर्माण के बाद कचहरी में आने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। यहां पर 10 यूनिट सीट, बिजली पानी की सुविधा, 4 बाथरूम का निर्माण होगा। इसके अलावा 8,00,000 की लागत से रेड क्रॉस के पास भी शौचालय का निर्माण होगा, जिसकी अग्रिम सूचना नगर परिषद के अध्यक्ष ने दिया। हत्यारे को गिरफ्तारी को लेकर आज प्रशासन के खिलाफ महाराजगंज के शहीद फुलेना चौक पर व्यवसायियों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्शाया। आपको बता दें कि सिवान के महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय में विगत 4 दिन पहले 3 लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया गया था, जिसमें एक की मौत हो गई थी। वहीं 2 लोग पटना PMCH में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है और उनकी भी स्थिति नाजुक है। ऐसे में प्रशासन से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है और प्रशासन के लापरवाह रवैये से लोग नाराज होकर आज कैंडल मार्च निकाल कर अपना विरोध जता रहे हैं।
चांद दिखने के साथ ही माह रमजान की तरावी शुरू। पहला रोजा कल मुसलमान समुदाय के लोग अपने अपने घरों में करेंगे इबादत। आपको बता दें कि रमजान के पाक महीने में रोजा रखना और रमजान पर नमाज पढ़ना मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही खास होता है। रमजान का महीना इबादत और नेकी करने का होता है। मंगलवार को चांद देखने के साथ ही इबादतों का पवित्र महीना शुरू हो गया है। बुधवार से रोजा शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बार का रोजा काफ़ी कड़ा होगा क्योंकि गर्मी प्रचंड है और धूप के चलते काफ़ी परेशानी भी हो रही है। बगौरा में पूर्व में बीते दिन चाकूबाजी के मामले में दोनों पक्षों के आवेदन पर पुलिस ने 12 लोगों पर दर्ज किया नामजद प्राथमिकी। बता दें कि खबर दरौंदा थाना क्षेत्र के बगौरा की है, जहां पूर्व में बीते दिन रविवार को दो पक्षों में आपसी विवाद को लेकर जमकर चाकूबाजी हो गई थी, जिसके मामले में दोनों पक्षों के आवेदन पर दरौंदा पुलिस ने 12 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज किया है। थाना अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने बताया कि इमामुद्दीन के पुत्र चाकू लगने से घायल हो गया था, जिसके आवेदन पर 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ किताबुद्दीन अंसारी के आवेदन पर थाना कांड संख्या 103/2021 में 8 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। महाराजगंज विद्यालय प्रशासन के लापरवाही के खिलाफ छात्र एवं अभिभावकों ने किया विद्यालय में धरना प्रदर्शन। बता दें कि खबर महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय के स्वामी करमदेव यमुना राम उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज की है, जहां आज दोपहर के समय दो छात्र और उनके परिवार के सदस्य विद्यालय प्रशासन और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कार्यशैली के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। इस संबंध में धरना पर बैठे छात्र आशुतोष कुमार के पिता रविंद्र कुमार पांडे ने बताया कि स्वामी करमदेव यमुना राम उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज के कर्मियों के द्वारा घोर लापरवाही का नतीजा है कि मेरे बेटे का इंटरमीडिएट के विशेष परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा जा सका, जिसके कारण बिहार इंटरमीडिएट का होने वाला विशेष वार्षिक परीक्षा से मेरा पुत्र वंचित रह गया है। उन्होंने कहा कि 7 अप्रैल को जब मैं विद्यालय पहुंचा तो यह लिखित मचगरा खान टोला में ढिबरी से लगी आग, 3 बकरी सहित झोपड़ी जलकर राख, 1 बच्चा भी झुलस कर हुआ जख्मी। बता दें कि खबर भगवानपुरहाट थाना क्षेत्र के मचगरा खान टोला की है, जहां देर शाम आज राजेश माझी के झोपड़ी नुमा घर में ढिबरी से आग लग गया, जिससे पूरा घर जलकर राख हो गया। आग लगने के कारण झोपड़ी में बांधी गई 3 बकरी की झुलसने से मौत हो गई है तथा सो रहा बच्चा भी झुलस गया है। बच्चे का इलाज परिवार वाले निजी चिकित्सक के यहाँ करा रहे हैं। झुलसा बच्चा बलराम कुमार बताया जा रहा है। आगलगी के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि देर रात्रि भोजन करने के बाद ढिबरी जलाकर सोए थे, तभी आग लग गई। सिवान में विगत 2 दिनों से कोविड 19 का टीका खत्म है, जिसको लेकर लोग परेशान हो रहे हैं और वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें कि सिवान सदर अस्पताल में कोविड 19 का टीका विगत 2 दिनों से खत्म है, इसको लेकर कई लोग लगातार वापस आ रहे हैं और वापस रिटर्न हो रहे हैं। इसको लेकर लोग काफ़ी परेशानियां भी झेल रहे हैं, क्योंकि कड़ी धूप हो रही है। इस धूप में दूर दूर से लोग टीका लेने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें टीका नहीं मिल रहा है, जिससे काफ़ी परेशानी है। क्या बताया गया है? अभी नहीं लगा है। मामला है, बार बार आते हैं, उसके बाद भी सुई नहीं लगता है। कितने 4-5 बार आ गए। क्या बताया गया? बताया ड्यूटी करने में कितना कठिनाई महसूस करते हैं? नहीं है, ड्यूटी में जा रहा है, उसके बाद समय निकाल करके आए, उसके बाद अब सुझे नहीं है। इस तरह बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ डर लगता है। ठीक, अपना नाम बताइए। भगवानपुर अंकिता का बिहार पुलिस कांस्टेबल में हुआ चयन, परिजनों में उत्साह की खुशी। बता दें कि खबर भगवानपुरहाट थाना क्षेत्र के सहरसा निवासी ध्रुवनाथ ओझा की पुत्री अंकिता कुमारी बिहार पुलिस कांस्टेबल में चयनित हुई है। अंकिता का चयन होने से परिजनों
में उत्साह का माहौल है। परिजन यह सोचकर उत्साहित है कि अंकिता खाकी वर्दी पहन अब सिपाही बनेगी। अंकिता के भाई रोहित कुमार ओझा ने बताया कि उसकी बहन काफी कठिन परिश्रम करके बिहार पुलिस कांस्टेबल में जगह बनाने में सफलता हासिल की है। उसने खाकी वर्दी पहनने के लिए दिन रात अभ्यास करती रही, जिसने में हम सभी काफी खुश हैं। अंकिता कुमारी ने कहा कि हम अपना लक्ष्य पाकर काफी खुश हैं। प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुआ है।